Hi guys, welcome to my channel and welcome to my new video. आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा शहर बर्लिन में. गर्मियों में सब जाग उठते हैं, 6 महीनों की सर्दियों के बाद सबको धूप सेकनी होती है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी. तो चलिए मेरे वीडियो में देखते हैं लोग अपनी लाइफ समर में यहाँ पे कैसे जीते हैं. ये जो आप देख सकते हैं इसका नाम है ईस्ट साइड गैलरी. यहाँ पे दीवार पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई हैं. ये पेंटिंग एक इंडियन आर्टिस्ट ने बनाई है. ये जो वॉल है ये पहले ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करती थी. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अलग अलग और खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई है. यहाँ पे बहुत सारे ई स्कूटर्स हैं जर्मनी में और खासकर बर्लिन में. आप देख सकते हैं ये एक टूरिस्ट स्पॉट है. काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ ये वॉल देखने के लिए. बहुत ही दिलचस्प पेंटिंग्स बनी हुई हैं इस दीवार पे. और दीवार के उस पार एक नदी है जिसका नाम स्प्रे है, जो बर्लिन से बहती है. और वहाँ पे काफ़ी बोट्स है जिसमें होटल्स है, कैफेज है. और ये एक ट्रेन स्टेशन है और आप देख सकते हैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर बहुत ही पुराना है. और आप एक ट्रेन भी देख सकते हैं. और ये बिल्कुल नदी के किनारे है, बहुत ही खूबसूरत है. और वहाँ पे एक लाउंज है एक बोट पे. बर्लिन में ये बाइक लेन्स है जो आप रेड कलर जोन देख रहे हैं, ये पूरा सिर्फ बाइक्स के लिए है. यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइक्स यूज़ करते हैं. समर में काफ़ी जगह पे आप देख सकते हैं बहुत सारे म्यूज़िक ग्रुप्स अपना म्यूज़िक प्ले करेंगे. इसके लिए ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उनको बस अपना म्यूज़िक प्रैक्टिस करना है या फिर कहीं किसी लोगों के लिए म्यूज़िक प्ले करना है. और लोग ये बहुत ही इन्जॉय करते हैं. आपको ये बहुत जगह पे मिलेंगे सिटी में. और ये एक पुराना ब्रिज है, बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है. आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है. बर्लिन में काफ़ी लोग ई स्कूटर्स यूज़ करते हैं. और हर जगह आपको ग्रेफिटी या फिर ये पेंटिंग्स दीवार पर दिखाई देंगे. ये देखिए और एक म्यूज़िकल ग्रुप है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और लोग बस बैठकर एंजॉय कर रहे हैं. इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बस अपने लिए प्ले कर रहे होते हैं ताकि लोग एंजॉय कर सके. और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोरोना सिचुएशन में इतनी भीड़ है. यहाँ पे काफ़ी वैक्सीनेशन हो चुका है तो रूल्स काफ़ी बदल चुके हैं. बहुत ही खूबसूरत बोट है आप देख सकते हैं.
पे बहुत सारे पंछी थे। और ये देखिए, और एक आर्टिस्ट है जो अपना टैलेंट लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। बर्लिन में आपको हर जगह ई स्कूटर्स दिखेंगे। और ये है बर्लिन का टीवी टावर जो आपको सिटी में लगभग हर जगह से दिखेगा। Thank you for watching my video. Please share, like, and subscribe.